प्रीति नेस्ट मेस के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या प्रीति जिंटा इस पूरे इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर नेस की वजह से हुआ ये पूरा मैस? वेल, यही सवाल आजकल हर कोई पूछ रहा है और अब प्रीति और नेस के करीबी अपने अपने दोस्तों के बचाव में उतर आए हैं। इन दोनों सेलिब्रिटीज के फ्रेंड्स मीडिया में इनकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर करके ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका फ्रेंड सही है। जूम को भी प्रीति के एक करीबी दोस्त ने ऐसी ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी है। प्रीति के इस करीबी की माने तो प्रीति जिंटा एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है और वो नेस वाडिया से सच में बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नेस को लेकर प्रीति इतनी ज्यादा सीरियस थी कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर तक को दांव पर लगा दिया। यही नहीं, प्रीति के इस फ्रेंड ने बहुत बड़ा खुलासा भी किया कि 2020 क्रिकेट लीग की जिस टीम में नेस प्रीति पार्टनर है, उस टीम में नेस का जो भी हिस्सा है वो ज्यादातर स्टेक प्रीति ने ही खरीद कर नेस को दिया है। जी हाँ, प्रीति की इस फ्रेंड का कहना है कि नेस की फैमिली 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में पैसे इन्वेस्ट करने के पक्ष में नहीं थी। ऐसे में प्रीति ने अपने पर्सनल पैसे लगाकर नेस वाडिया को इस टीम में स्टेक खरीदने में मदद की और ऐसे में साफ है कि प्रीति नेस के साथ कभी पैसों के लिए नहीं रही है। प्रीति की इस फ्रेंड का कहना है कि प्रीति जब तक नेस के साथ रही, उन्होंने नेस को अनकंडीशनली प्यार किया है, लेकिन बदले में उन्हें नेस से कभी उस तरह का प्यार नहीं मिला। साफ है प्रीति की फ्रेंड उनकी पर्सनल लाइफ की इस जानकारी को देकर उन तमाम लोगों के मुंह को बंद करना चाहती हैं जो कि प्रीति पर आरोप लगा रहे हैं कि नेस पर उन्होंने पैसों के लिए केस फाइल किया है। वैसे हाल ही में नेस के एक फ्रेंड ने भी मीडिया में ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह क्या है। नेस के फ्रेंड का कहना है कि जिस दिन मैच के दौरान ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई, उस दिन नेस ने अपनी मॉम और उनके फ्रेंड्स के लिए वीआईपी बॉक्स में कुछ सीट्स रिजर्व कर रखी थी, लेकिन प्रीति के फ्रेंड्स ने ये सारी सीट्स भी ऑक्यूपाई कर ली, जिसकी वजह से बहुत जरा सी बहस हुई थी। साफ है कि प्रीति और नेस भले ही मीडिया से बात नहीं कर रहे हों, लेकिन ये दोनों सेलिब्रिटीज अपने फ्रेंड्स के जरिए अपनी बात मीडिया में रख रहे हैं। वैसे अब ये मामला पुलिस के पास है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई।